नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। 2021 में बहुचर्चित फोन टेपिंग मामले में पूर्व सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा के बड़े खुलासे कर दिए हैं। पिछले दिनों दिल्ली में हुई पूछताछ के दौरान लोकेश शर्मा ने फोन टैपिंग के सभी सबूत ईडी को सौंपने की बात भी स्वीकार कर ली है, जिसके बाद अब इस मामले में पूर्व सीएम अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। साथ ही कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही इस मामले में ईडी अशोक गहलोत से भी पूछताछ कर सकती है। पिछले दिनों किरोड़ीलाल मीणा द्वारा आरएएस भर्ती 2018 में फर्जीवाड़े के बड़े सबूतों का खुलासा किया गया था, साथ ही पैसे देकर परीक्षा में पास होने के आरोप भी लगाए हैं, जिसके बाद आरएएस भर्ती में हुए फर्जीवाड़े की कई परतें खुलने लगी हैं। इसके साथ ही अब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बेटे की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि इस मामले में जल्द ही एसओजी गोविंद सिंह डोटासरा के बेटे से भी पूछताछ कर सकती है। इससे पहले सीकर स्थित कोचिंग में ईडी का छापा भी पड़ चुका है। कांग्रेस सरकार के दौरान हुई 19 में से 17 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। लोकेश शर्मा ने पूर्व सीएम सहित कई बड़े नेताओं और अधिकारियों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि सभी पेपर लीक की जानकारी मुख्यमंत्री को थी, लेकिन वह पूरे 5 साल सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में ही लगे रहे। उनको युवाओं को सपने से कुछ लेना देना नहीं था, जिसके चलते 17 पेपर लीक की घटनाएं राजस्थान में घटित हो गई। राजस्थान में 12वीं पास डॉक्टर बनने के फर्जीवाड़े को उजागर होने के बाद अब कांग्रेस नेता संयम लोढ़ा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए फर्जी डॉक्टर और डॉक्टर बनाने वालों पर शीघ्र गिरफ्तारी की मांग उठाई है। इसके साथ ही संयम लोढ़ा ने राजस्थान की भाजपा सरकार पर भी कई बड़े आरोप लगाए हैं। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा आज हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम ने एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इसके बाद भाजपा जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक मुद्दों पर बैठक की। बैठक के बाद डिप्टी सीएम एवं पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर राम प्रताप के निवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि संगठनात्मक मुद्दों पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में सदस्यता अभियान को लेकर दिशा निर्देश दिए। वहीं पुत्र द्वारा रील बनाने के मामले में परिवहन विभाग द्वारा 7,000 रुपये का चालान भेजने के मामले में डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार अपना काम कर रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर शनिवार को बीकानेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर 29 सितंबर को दिए बयान पर पलटवार किया। दिलावर ने कहा, डोटासरा पर हमला बोलते हुए कहा कि जहां कांग्रेस ने राज्य में शिक्षा का बंटाधार किया, वहीं उनके प्रदेश अध्यक्ष अपनी जुबान से बंटाधार कर रहे हैं। बिना बिल्डिंग के स्कूलें खोल दी, पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं होने के बावजूद भी स्कूलें खोल देने से विद्यार्थियों को नुकसान हुआ है, साथ ही शिक्षा को भी नुकसान पहुंचा है। राजस्थान के चर्चित लीलसर हिरण शिकार मामले में अंडर ट्रायल कैदी की जेल में मौत हो गई। शुक्रवार दोपहर कोर्ट में उसकी जमानत मंजूर की थी, लेकिन जेल से बाहर आने से कुछ समय पहले ही उसकी तबीयत बिगड़ी और वह गश खाकर जमीन पर गिर गया। देर शाम पुलिसकर्मियों ने मिलकर उसे राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद न्यायिक अधिकारी मौके पर पहुंचे कर मामले की जाँच शुरू कर दी। सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर परीक्षा 22 से 24 अक्टूबर तक होनी है। इस संबंध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने तैयारी शुरू कर दी है। इससे पहले 27 और 28 सितंबर को सीईटी स्नातक परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना अभ्यर्थियों के लिए बड़ी चुनौती रहा, क्योंकि कई परीक्षार्थियों की परीक्षा केंद्र जिले में ही से दूर थी। इस दौरान अभ्यर्थियों ने परिवहन व्यवस्था पर भी खामियों के आरोप लगाए थे, जिसकी वजह से उन्हें केंद्र तक पहुंचने में काफी परेशानी हुई। अब बोर्ड की कोशिश है कि अगली परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों का केंद्र गृह जिले या नजदीकी जिले में ही रहे। इस संबंध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी जानकारी दी है। महाराष्ट्र के पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बनवाने वाले कार्यकर्ता ने भाजपा छोड़ दी है। मयूर मुंडे ने साल 2021 में मोदी मंदिर का निर्माण करवाया, जो काफी सुर्खियों में रहा था। दरअसल महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की पुणे यूनिट के भीतर मतभेद दिख रहे हैं। कोथरूड और खडवासला के मौजूदा विधायकों पर उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में दखल देने की कोशिश का आरोप लगा है। वहीं चुनाव से पहले ये फैसला चर्चा में बना हुआ है। दिल्ली सचिवालय में आज बीजेपी विधायकों ने सीएम आतिशी के साथ बैठक की। इस बैठक का मुख्य मुद्दा बस मार्शलों का विवाद सुलझाना था। आतिशी ने कहा कि सभी मिलकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास चलते हैं, यहीं पर पूरी कैबिनेट है, यहीं पर साइन होगा, जिसके बाद भाजपा विधायकों ने एलजी के निवास जाने से साफ इनकार कर दिया।
तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।